वेलकम बैक गाइस, सैगे झड़े में फिर से एक बार आपका स्वागत है। एंड मैंने ये सबडी के टूल्स आज मतलब एक एक डिटेल में बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये थर्ड वीडियो है। एंड इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे ये जो टूल्स हैं, इसमें मैंने थोड़ा कैटेगरी वाइज किया है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये जो दो टूल हैं, इसको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये प्रिमिटिव्स हैं जो हमारे पास रहनों में भी हैं। एंड उसके बाद ये जो टूल्स हैं, ये हमारे रहनों के ही टूल्स हैं, लेकिन ये सबडी के अंदर हमें दिया है, जैसे रिवॉल्व, स्वीप वन, स्वीप टू, लोफ्ट एंड पाइप कमांड, ठीक है। और इसके बाद जितने भी टूल्स हैं, ये वाले, ये सारे जो टूल्स हैं, ये मोस्टली हमारे रहनों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके टूल्स हैं, ठीक है। तो ये अपन अलग उस हिसाब से डिटेल में देखते जाएंगे, जैसे जैसे बनते जाएगा हमारा, जो करते रहेंगे हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे तब बताते जाऊंगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट जो है ये वाला टूल्स लेने वाला हूँ, मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो मैं ये वाले टूल्स आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। सो चलिए ट्राई करते हैं और फटाफट देखते हैं और फ़र्क क्या है दोनों में, वो भी समझते हैं। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब भी हम लोग कुछ प्रिमिटिव्स बनाते हैं हमारे रहनों के अंदर, तो ठीक है दोस्तों, ये सब डी टूल्स यहाँ पर है, मैं एक बार लास्ट में रख रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं। एंड इसके अंदर आपको मतलब क्या है, लास्ट में इजी रहता है, और लास्ट के जो दो टूल है ये मैंने मेरी तरफ से डाल के रखे हुए हैं, ताकि मुझे शेड वगैरह करने के लिए, क्योंकि इसमें शेड में मुझे फिर से स्टैंडर्ड में आके शेड करना पड़ता था, इसलिए मैंने यहीं पर रख दिया है, ठीक है। सो आप कन्फ्यूज़ मत हो ना। हाँ, फर्स्ट में आता हूँ इसमें। जैसे हम लोग ये जो प्रिमिटिव टूल्स हैं हमारे, जो हम लोगों ने राइनो के अंदर कॉमनली देखे हुए हैं, ये वाले टूल्स, राइट। तो इसके अंदर देखिए, जैसे ये बॉक्स है, राइट, ये एक बॉक्स है, ओके, या ये सिलेंडर है, जस्ट एग्जांपल के लिए एक सिलेंडर है हमारा, ठीक है, या एक स्पीयर है मान लेते हैं, ये देखिए, या ये वही स्पीयर ही है, ठीक है, ये भी वही है समझ लेते हैं हम लोग, ये पैराबोला भी छोड़ देते हैं एक बार, कोण ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, मैं शेड ऑल कर देता हूँ मैं। ठीक है, इधर से शेड करना पड़ेगा, शेडेड शेडेड शेडेड, ओके। सो ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये बने हुए हैं, राइट। तो ये इस तरीके से हमारे हैं, और यही टूल्स यहाँ पर भी हैं, देखिए, ठीक है, ट्रंकेड कोन एंड एवरीथिंग, ये वही वैसे ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हम लोग जब बनाते हैं तो आपको पता होगा कि इसके अंदर हम पॉइंट्स ऑन नहीं कर सकते, शार्प कॉर्नर्स आते हैं, ठीक है, एक मतलब क्या कहते हैं, स्टिफ ज्योमेट्री आती है, मतलब इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो थोड़े अलग लेवल पे जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने इसके पॉइंट्स ऑन कर दिए F10, तो देखिए पॉइंट्स यहाँ पर, देखो कुछ पॉइंट्स तो ऑन तो हो गए, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट्स को अगर मैं ऊपर नीचे करूँ तो देखिए हाइट बढ़ रही है, अगर मैं इसको अंदर बाहर करूँ तो ये क्या हो रहा है, रोटेट वगैरह हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से काम कर रहा है। इसके स्पेशली पॉइंट्स ऑन नहीं होते, और मैं अगर सॉलिड पॉइंट्स ऑन कमांड दूँ, सॉलिड पॉइंट्स ऑन, तो इसके चारों सॉलिड पॉइंट्स ऑन होते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से, बीच में से कहीं उठाना है तो नहीं उठा सकता मैं, थोड़ा डोम करना है, दबाना है, कुछ नहीं कर सकते, राइट। सबके साथ यही सीन है, सबके साथ यही सीन है, देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको भी देखूं तो ये तो बहुत गलत तरीके से होगा, दिखाता हूँ मैं, ये तो सरफेस है एक्चुअली, ये सरफेस है तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक ही सरफेस है, राइट, ठीक है। और इसके भी मैं अगर F10 करूँ तो देखिए इसमें भी F10, इसका तो F10 हो भी नहीं रहा, ओके। सो ये बेसिक टूल्स है, और इसके बारे में आपको अच्छे से पता है, तो मैं इसके अंदर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ओके। सो अगर मैं इसी के अंदर अगर मैं जाऊँ, ये वाला फर्स्ट टूल, क्रिएट सब डी कोन, ठीक है, सेम कोन, बेस ऑफ कोन 0 इंटर, जस्ट एग्जांपल के लिए कहीं पर भी कर लो, और डायमीटर वगैरह दे सकते हो, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें, डायमीटर सर्कम्फर सेम वही है, जस्ट क्लिक किया। एंड हाइट में अगर आप डायरेक्शन वर्टिकल ले लिया अपने, देखिए ये देखिए, तो देखिए पॉइंटेड नहीं है, देख रहे हो, बहुत सिंपल तरीके से पॉइंटेड नहीं है। सो अब इसके पॉइंट्स ऑन करते हैं, देखिए पॉइंट्स ऑन हो गए, इसको पकड़ा मैंने और इसको मैं स्केल करता हूँ, ये देखिए कर सकता हूँ ना इजीली, और इसको मैं मूव वगैरह भी कर सकता हूँ, देखिए
ये देखिए देखिए इजीली हमारा हो रहा है, ये देखिए। तो जिससे भी चाहिए आप इसको एडिट कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। और बाकी शार्पनेस नहीं आती है तो शार्पनेस लानी है तो उसके लिए आगे टूल्स हैं जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वाला जो वीडियो उसके अंदर मैंने रिंग बनाते समय दिखाई है, तो उसको ट्राई करके कर सकते हो आप। लेकिन अभी मैं इसके अंदर आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो बेसिक लेवल पे ये टूल है, जैसे सेम एज इट इज़ हम लोग ट्रंकेटेड कोन भी लेते हैं, सेम यही है, सेम वैसे ही ऑप्शन है। ये देखिए मान लेते हैं ऐसे बनाते हैं, देखिए बन गया है बहुत इजीली। जैसे मैं सिलेक्शन करके ये सब बताऊंगा, ये देखिए बन गया है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट, सेम सिलेंडर, सिलेंडर में भी यही ऑप्शंस है, ठीक है। और स्पीयर में भी ये ऑप्शंस है, देख सकते हो आप, ठीक है। एंड एलिप्सॉइड, देखिए। और उसके बाद टोरस, सेम, ओके। एंड लास्ट में बॉक्स है, देखिए, ओके। अब आप लोग जब ज्वाइन कर रहे हो, बना रहे हो, बना अगर मेरे वीडियो देख रहे हो पहले और उसके बाद जब बनाओगे तो आपके पास ना ये लाइंस कम या ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आपका जो काउंट्स है ना, एक्स काउंट, वाई काउंट और जेड काउंट, यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो जैसे क्लिक करता हूँ तो आपका टू टू और टू होगा, टू एंड एक्स काउंट टू। ये देखिए आपका जो बनेगा ना, आपका ऐसा होगा, आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अभी आप तो समझ ही गए होंगे, अगर इसको और बढ़ाना है और चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक्स काउंट, वाई काउंट और इसमें आप जितने भी दोगे, जैसे थ्री थ्री चाहिए तो थ्री थ्री, अब मैं थ्री देता हूँ और वाई में भी थ्री देता हूँ, जेड में नहीं देता हूँ ज़्यादा, ठीक है। और मैं बनाता हूँ एक्स और वाई, एक्स और वाई में तीन और तीन आ गए और जेड में दो ही आ गए, देखिए इस तरीके से, ताकि आप इजीली इसको जैसा चाहिए आपको चेंज भी कर सकते हो, देखिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, हर एक चीज़ में अलग अलग ऑप्शन है। जैसे सब डी में भी जाओगे तो सब डिवीजन वन है, देखिए अब स्पीयर बना दो तो वन है, तो देखो ये वन है, ठीक है। वन में क्या हो रहा है, फोर 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 आ रहे हैं, देखो, ठीक है। अब जैसे मैं इसको करता हूँ और सब डिवीजन लेता हूँ टू, लेट्स सी क्या बनता है, तो क्या बना, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये एक दो तीन चार है, तो ऐसे दो हैं ऐसे चार हो गए, देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, वन टू थ्री एंड फोर, देखिए। और यहाँ पे टू ही है तो डबल हो गया, वन का टू हो गया, मतलब वन का टू हो गया, वन का टू हो गया, टोटल टू टू का चार हो गया। सेम ऐसे भी हो गया, एक दो तीन चार, देखिए इस तरीके से। इतने फेस को देखिए आप, अगर आप इस फेस को देखोगे तो समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये दो देखिए, ठीक है, तो ये डबल हो गया। तो सब डिवीजन जितना बढ़ाते जाओगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स या ज़्यादा फेसेस आते जाएंगे आपके पास में, ठीक है, ओके। अब इसमें ना और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं हम जब बनाते हैं तो इसमें देखिए स्क्वायर आ रहा है, राइट, स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें बनाते हैं तो यहाँ पे देखो स्टाइल क्या है, कॉर्ड है। सब डिवीजन में क्या करता हूँ, ओके टू ही रखते हैं, एंड कॉर्ड्स कॉर्ड्स है, जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो इसमें यू वी ट्राइंगल्स और कॉर्ड्स, तो ट्राइंगल्स लेके देखते हैं, जीरो इंटर और इंटर। तो देखिए अभी किससे बना, ट्राइंगल्स है, देख रहे हो, ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं लेता हूँ यू वी, जैसे मैं यू में कितने फेस चाहिए, वी में कितने फेस चाहिए, उस तरीके से आ गया। और ये जो बनता है ये हमारा स्टैंडर्ड जो हमारा राइनो का बनता है ना, उस तरीके से बन गया, देखो, देख रहे हो इस तरीके से बन गया। अब दिखाता हूँ मैं हमारे रहनों में कैसे बनता है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये देखिए थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। और इसके पॉइंट्स ऑन करता हूँ तो देखिए इस तरीके से बनता है, लेकिन मैं रिबिल्ड करता हूँ 10x10 से, और मैं इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके एक बार इसके आईएसओ करो, तो देखिए सेम बना है, तो इस तरीके से बनता है। लेकिन इसमें जो एज है, ऐसी एज यहाँ पर नहीं आती, इसमें पूरा का पूरा हम लोग अच्छे से
यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी इजीली हम लोग ये देखिए अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इस तरीके से यूज़ होती है या इसके अंदर बनती है। तो जैसे आप इसमें स्टाइल यू है, वहाँ पे मोस्टली स्क्वाड्स रखोगे तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से आता है और जितने भी पॉइंट्स है आप कर लो, ठीक है। सेम इसके अंदर भी सेम ही है जब बनाने जाओगे तो इसके अंदर भी आपके पास में यहाँ पर आएंगे अराउंड फेस, वर्टिकल फेस, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ओके। अब इसके अंदर वर्टिकल फेस कितने चाहिए, अराउंड फेस कितने चाहिए, मतलब वर्टिकल फेस खड़े में 4 और अराउंड फेस कितने चाहिए, मैं देता हूँ 8 आ रहे हैं, तो इसमें 4 ही देता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए। तो अभी देखिए, देख रहे हो ऐसे भी 4 आए हैं और ऐसे भी 4 आए हैं, देखिए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अपने अपने ज्योमेट्री के हिसाब से इन्होंने उस तरीके से बनाया है। देखो यहाँ पर वर्टिकल फेस इतने, अराउंड फेस इतने, कैप स्टाइल कौन सी है, ट्रायंगुलर है, देखो ये और ये, तो देखो ट्रायंगुलर बन रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें और एक है इसमें ऑप्शन, जैसे कैप स्टाइल देते हैं हम लोग, ट्री है तो कॉर्ड्स दे दिए, तो जैसे मान लो मैं ऐसे ऐसे और ऐसे बनाता हूँ, तो देखो कॉर्ड बन गया, देख रहे हो। एंड अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ट्रायंगल और ये दो ही स्टाइल्स है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। और वर्टिकल फेस और अराउंड फेस तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, 4 और 3 है जो भी है, मतलब वट एवर इसके अंदर है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद वही कोन के लिए भी है सेम, अराउंड फेस ही, और ये कैप की स्टाइल ट्रायंगुलर है, नीचे के साइड जो कैप आएगी वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये बहुत बेसिक टूल्स है। एंड टोरस के अंदर देखते हैं हम लोग, टोरस में भी देखिए वर्टिकल फेस और अराउंड फेस, देखिए वर्टिकल फेस मतलब वो खड़े में ऐसे, तो ऐसे कितने आए जस्ट चेक कर लेते हैं, 1 2 और 3 और नीचे के 3, टोटल 6 आए। और ऐसे कितने आए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, राइट, देखिए इस तरीके से बने हुए। तो ये समझ गए होंगे आप, तो बहुत ही बेसिक है और बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार बेसिक लेवल पे आप इसको ट्राई कीजिए बना के, एक बार जस्ट गो थ्रू करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा क्या क्या है चीज़ें और इसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे या किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ और ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में या आने वाले वीडियोज़ में हम लोग करेंगे। सो डोंट वरी, ये सारे वीडियोज़ एक साथ आने वाले हैं तो आप लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।